क्या आपने कभी कोई ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जिसमें कि सब कुछ टॉयलेट जैसी प्लेट्स में परोसा जाता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। क्या आपको पता है कि समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और क्या आपको पता है कि जब टावर्स पे जो मशीन्स होते हैं उसको चेंज करने के लिए जो रिस्की काम करते हैं उनको कितना लाख एक बार चढ़ने का मिलता है? और क्या आपने कभी कोई ऐसा कीड़ा देखा है जो कि पॉपकॉर्न की तरह दिखता है? इस वीडियो में आप ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज को गेन करने वाले हो। फैक्ट नंबर 23, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो अगर अभी तक के जो सबसे नोन बड़ा गैलेक्सी था, मतलब जितने भी गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में सबसे बड़ा कोई ना कोई तो होगा ना, तो IC 1101, इसके सामने अगर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को देखें तो देखो कितना छोटा है ये, कितना साइज में छोटा है ये गैलेक्सी। बट साल 2022 रिसेंटली इससे भी बड़े गैलेक्सी को डिस्कवर कर दिया गया। इस गैलेक्सी का नाम है एल्कोनियस और ये लार्जेस्ट नोन गैलेक्सी टू ह्यूमन है। 16 मिलियन लाइट ईयर का स्पैन है इसका। और ये देखो सारे गैलेक्सीज का कंपैरिजन, सबसे बड़ा और ये जो मिला है हमें आखिर में वो ह्यूज है। इसके पहले IC 1101 टॉप पे था, बट उसको फेल करके एल्कोनियस टॉप पे आ गया है। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है कि नेचर में कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि अपने नेस्ट को ना बहुत ही यूनिक तरह से बनाती है? क्या है कि नेचर में हर पेरेंट, चाहे वो बर्ड पेरेंट हो, वो ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, तो वो एक ऐसा नेस्ट बनाते हैं जिसमें कि दो ओपनिंग्स होते हैं, एक रियल वाला एक फेक वाला। जो फेक वाला होता है वो ज्यादा बड़ा ओपनिंग होता है जिसमें कि अगर कोई सांप या फिर कोई भी खाने वाला जीव आके उस पर हमला करना चाहे तो उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि रियल में देखो कैसे ये बंद है एंड एक्चुअल ओपनिंग कहीं और है। तो ऐसा बहुत सारे चिड़ियों के प्रजाति करते हैं जो कि अपने बच्चे को एकदम सिक्योर रखना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 21, जो कम्युनिकेशन टावर होते हैं या फिर मोबाइल टावर्स होते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं डिजर्ट में लगे हुए या फिर जो मेन मेन जगह पे, उसमें क्या होता है ना, उसका काम बहुत रिस्की होता है, मतलब रिस्क होता है। एंड एवरेज पे की बात करूं, मतलब कि अगर आप एक टावर में लाइट्स या फिर उस पर कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लगाने वाले इंजीनियर हो या फिर पीरियोडिक रिपेयर वाले इंजीनियर हो, तो आपको पर क्लाइंब का यानी एक बार चढ़ने का करीब 10 से 15 लाख रुपए मिलते हैं। ये बाहर के मार्केट में एवरेजली 10 से 20,000 डॉलर के बीच में होता है, मतलब 10 लाख के अराउंड। फैक्ट नंबर 20, प्लैंथहॉपर नाम का एक बग होता है, एक कीड़ा। अगर एक पॉपकॉर्न को ले ले हम लोग, मेरे बगल में मान लो एक पॉपकॉर्न है और इस साइड ये है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ये प्लांट हॉपर ये दुनिया के सबसे अजीब कीड़ों में से एक है। फैक्ट नंबर 19, ताइवान में एक रेस्टोरेंट है जो दुनिया की सबसे अजीब रेस्टोरेंट है। इसमें आपको खाने को कुछ ऐसे में परोसा जाता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी करंटली मेरे बगल में देख रहे हो। फैक्ट नंबर 18, आपको मैं आई साइट के बारे में एक अमेजिंग सा फैक्ट बता दूं। जैसे आपने ये सुना होगा कि जो चील होती है जो आसमान में उड़ती है वो पूरा नीचे तक देख पाती है पूरे डिटेल में, तो जी हाँ ये ट्रू है। अगर चील बहुत ऊपर आसमान में उड़ रही है एकदम नीचे वो एक छोटे से चूहे को भी देख पाएगी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। हम ह्यूमन थोड़े ऊपर से रोड को कुछ ऐसा देखते हैं जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, बट जो पिजियंस होते हैं, ये उड़ने वाले पिजियंस, ये रोड के एक एक डिटेल, कॉन्क्रीट का जो स्ट्रक्चर है उसको देख पाते हैं डिटेल में, पूरा जूम्ड स्टेट में। और एक अमेजिंग सा ये देखो, ह्यूमन हम ऐसे दिखते हैं और काउज जो है वो ऐसे देखते हैं, उनका साइट कुछ ऐसा होता है। और इधर देखो हमारा नॉर्मल आई साइट और राइट साइड में स्नेक्स का आई साइट, देखो वो रेड रेड दो ऐसे जगह है जहाँ पे हीट ज्यादा है, तो उनका आंख काइंड ऑफ हीटेड जगहों को स्पॉट कर पाता है और ऐसे ही वो चूहों और बाकी चीजों पर प्रे करता है। फैक्ट नंबर 17, जब रॉकस्टार पहली बार GTA को रिलीज की थी तब पता है आपको ऐसी खबरें आ रही थी कि वो नेगेटिव रिव्यू देने के लिए लोगों को पे कर रही है। आपको पता है किसी भी मूवी या फिर किसी भी गेम में पॉजिटिव रिव्यू आए या फिर नेगेटिव रिव्यू आए, रिव्यू से हाइप बनता है, हाइप से पब्लिसिटी होता है, तो दोनों सेम है। तो जहां कंपनीज पॉजिटिव रिव्यूज के लिए लोगों को पैसे देती है वैसे नेगेटिव रिव्यूज के लिए भी देती है ताकि पब्लिसिटी हो। एंड ऐसे कुछ एलिगेशन GTA पे लगे थे, ये ट्रू है ये फॉल्स है ये कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 16, आपको पता है शार्क मछली, इतने ह्यूज ह्यूज शार्क मछली जो होते हैं उनके अंदर बोन्स यानी हड्डी नहीं होता है, जीरो। जब वो मरते हैं ना तो आपको यकीन नहीं होगा, वो मरते हैं तो समुद्र पूरी तरह से उसके बॉडी को गला देता है, डिसअपियर हो जाता है। एक बड़ा सा शार्क है मान लो वो मर गया तो समुद्र में पता है वो डिसॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से,
और क्योंकि हड्डी नहीं होता इसलिए पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, खाली उसका दांत जो है वो बचा रहेगा समुद्र में गिरा हुआ, बाकी उसका पूरा बॉडी डिसॉल्व हो जाता है मरने के बाद। That's गजब। फैक्ट नंबर 15, एक पिक्चर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये आपके लिए पेनफुल हो सकता है, मतलब देख के अजीब सी फीलिंग आती है बट इंटरेस्टिंग है। देखो ये निकला हुआ टूथ, आपका जो दांत होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वहां पे बस नर्व से अटैच्ड है बस उतना ही हो गया, दांत का एक पतला सा लंबा सा ऐसा वायर टाइप का जैसा आप इसमें पिक्चर में देख रहे हो ऐसा नर्व होता है एंड ये जाता है बहुत अंदर तक। इसलिए मतलब किसी इंसान का दांत निकाल दिया जाए ना अगर, ओ बाप रे बाप, सोच के कैसा लग रहा है। तो क्या है कि दांत अगर निकाल दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ नर्व तक, सिर्फ मसूड़ों तक नहीं बल्कि उसके बियॉन्ड कनेक्टेड रहता है, तभी तो वो हिलता है या फिर गिरता है। बचपन में तो हमें पेन फील होता है, कहीं ना कहीं वो दिमाग से कनेक्टेड है दांत, तभी ना हमें पेन फील होता है। भले इस दांत में कोई जान ना हो, दांत के अंदर खून ना हो, वो तो बस एक हार्ड रॉक है काइंड ऑफ बॉडी के लिए, लेकिन वो कनेक्टेड होता है ब्रेन से। फैक्ट नंबर 14, ऐसा होता है आपके साथ कि आप कुछ वर्ड को याद करने की कोशिश करते हो, अरे वो क्या शब्द था याद नहीं आ रहा मेरे को, ऐसा बहुत बार होता होगा कि कुछ, अरे आप डिस्कशन कर रहे हो किसी के साथ, अरे उसको क्या कहते हैं उस वर्ड को, वो वर्ड ऐसा होता है ना, तो इस चीज को लेथोलॉजी का कहते हैं। किसी वर्ड को आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, वो बस आने ही वाला है बट आप उसको याद नहीं रख कर पा रहे हो, इस चीज को लेथोलॉजी का कहते हैं। द इनएबिलिटी टू रिमेम्बर अ पर्टिकुलर वर्ड और नेम, किसी नाम किसी वर्ड को ठीक से याद नहीं कर पाना। फैक्ट नंबर 13, ऑक्टोपस का एग जो होता है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ऑक्टोपस के एग को अगर आप देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, लिटरली ट्रांसपेरेंट होता है और दिखता है कि ऑक्टोपस उसमें है एंड यही निकलकर जन्म लेते हैं। इनका एग जो होता है वो नेचर के सबसे अमेजिंग एग्स में से एक है। फैक्ट नंबर 12, एंशियंट ग्रीक लोग जो होते थे ना वो ना अल्कोहल को द मिरर ऑफ द माइंड कहते थे। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि कोई अगर ड्रंक जब रहता है तब उसका इनर मोस्ट जो नेचर है वो रिवील होता है कि उसके मन में एक्चुअल में क्या है, जो कि जनरली बहुत रेयरली ही बिना कोई स्टिमुलस के दिखता है, बट जब कोई ड्रंकन होता है, जब उसके बॉडी में अल्कोहल होता है, तब जो वो करता है तो वो उसके डीपेस्ट थॉट को कहीं ना कहीं दिखाता है। तो इसीलिए ग्रीक अल्कोहल को द मिरर ऑफ द माइंड कहते थे, क्योंकि अल्कोहल लेने के बाद का बिहेवियर इनर मोस्ट नेचर को रिवील करता है। फैक्ट नंबर 11, ये पिक्चर देखो, इस पे 1000 मीटर ऊपर उड़ रहे प्लेन पे दो लोग टेनिस खेल रहे हैं। इसका फैक्ट चेक करते हैं क्या ये रियल फोटो है, तो अमेजिंगली मैं आपको बता दूं कि हाँ ये रियल फोटो है। जी हाँ, ये फोटो एडिटेड लग रहा है बट ये एक्चुअल में रियल है एंड इंटरनेट पे बहुत सारे रेफरेंसेस भी आपको मिल जाएंगे इस इमेज से रिलेटेड। क्या है कि ये फोटो रियल है और ये एक जेन्युइन एक्ट है, एक एरियल एरोबेटिक्स है, मतलब एक हवा में मौजूद एक स्टंट है जो कि दो लोगों ने किया था, ग्लैडिस रॉय और इवान अंगर, नवंबर 1925 में इन्होंने किया था। हालांकि वो बस एक पोज था फोटो के लिए, फोटो रियल है बट आप इस फोटो में ध्यान से देखो कहीं बॉल नहीं है, तो ये जो है ये टेनिस के पोज में है, जस्ट बॉल कहीं नहीं है बीच में, लेकिन जो स्टंट है ये इटसेल्फ में रियल है और ये फोटो रियल है। ये एक हवा में मतलब एरोबेटिक्स का एक स्टंट है, 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे प्लेन पे ऐसे भी पोज करना बहुत मुश्किल है इतने स्पीड पे, कैसे कर लिए पता नहीं, स्टंट मैन है कर ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, ग्राफीन से रिलेटेड मैं आपको एक आर्ट पिक्चर दिखाता हूँ, ये वाला पिक्चर जो कि मेरे साइड में आप देख रहे हो, इसमें आप देख सकते हो कि एक हाथी ट्राई कर रहा है एक मटेरियल को तोड़ने का, तो ये एक्चुअली में ग्राफीन है। इसको वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड कहा जाता है। ग्राफीन का एक शीट ले लो, एक छोटा सा पतला सा शीट, एक पेपर जो आपका होता है किताब का उतना पतला शीट ले लो, तो उसको तोड़ने के लिए एक हाथी के वजन की जरूरत पड़ेगी तब जाके वो टूटेगा, इंसान के लिए तोड़ना इम्पॉसिबल है। मतलब मार्वल और मूवीज में जो हम लोग को दिखाया जाता है कि जैसे अलग अलग फिल्मी इमेजिनेटिव मटेरियल्स का नाम लिया जाता है, जैसे कि एडमेंटियम या फिर वाइब्रेनियम जिससे कि कैप्टन अमेरिका का शील्ड बना है, तो ऐसे चीजें रियल में भी होती है कुछ कुछ जो कि बहुत हद हद होती है, ग्राफीन उनमें से एक है। फैक्ट नंबर 9, टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में आपने सुना है, जिनके बच्चे नॉर्मली नहीं हो पाते हैं वो टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे को ले सकते हैं। ये बहुत ही कॉस्टली होता है बट आखिर में लैब में बेबी को बनाया जाता है। लैब में बेबी को बनाना ये इम्पॉसिबल लग रहा है, मतलब वो तो वोम से निकलते हैं नॉर्मली बट लैब में ही
बड़ा हो जाना। तो ये चीज जो है टेस्ट ट्यूब बेबी, ये पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम की बात करें तो सबसे पहला बेबी वर्ल्ड का जो कि टेस्ट ट्यूब के जरिए हुआ था वो है लुईस ब्राउन, जिनकी फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। 25 जुलाई 1978 में नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में ये हुए थे। फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लैब में बेबी मतलब इतना अजीब सा जो है, इससे कितने बच्चे आज तक जन्म ले लिए हैं। पहली बार तो ये आप सुन लिए कि उस टाइम हुआ था, बट आप करीब 50-60 साल बीत चुके हैं, अभी तक हमारी दुनिया में कितने बेबीज हैं जो कि इसी प्रोसेस से जन्म लिए हैं, टेस्ट ट्यूब के जरिए जन्म लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में मिलियंस ऑफ बेबीज हैं जो कि टेस्ट ट्यूब के थ्रू जन्म लिए हैं, करीब 42 से 50 लाख ये एस्टिमेटेड है ये नंबर। फैक्ट नंबर 8, जापान के आइलैंड यकुशिमा में एक अजीब सी चीज देखी गई है, मतलब ऐसा वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया गया था, कि जो हिरण होते हैं डियर उस पे मंकी लोग दिन भर बैठे रहते हैं। ये अजीब सा आपको सुनने में लग रहा होगा, बट जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो ऐसा वहां के करते हैं, और बदले में मंकी जो फूड कलेक्ट करते हैं उधर जम करके वो डियर को देते हैं। मतलब वो अजीब टाइप का प्ले करते हैं, नेचर में कुछ भी हो सकता है एक्चुअल में। तो वो लोग बंदर लोग डियर पर बैठ के घूमते हैं, मजे करते हैं, और बदले में डियर को फूड मिलता है। अजीब सी चीज पाई गई है, अजीब सी दोस्ती बिटवीन डियर और मंकी। फैक्ट नंबर 7, मान लो आपने कोई नया ऐप लॉन्च किया या फिर आपने कोई किताब लिखा एंड सब कोई पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है और एक इंसान ने नेगेटिव रिव्यू दिया और वो इंसान आपसे 1000 किलोमीटर दूर पे रहता है, आपको इतना गुस्सा आया कि आप गए फ्लाइट से वहां और जो नेगेटिव रिव्यू दिया उसको खोज कर फिर उसके बाद आप उसको मारे एक थप्पड़। क्या ये पॉसिबल है किसी के लिए भी, कोई ऐसा करता है? तो इतिहास में सिर्फ इस पूरे धरती के इतिहास में सिर्फ एक इंसान ने ऐसा किया है और उनका नाम है ऑथर रिचर्ड ब्रिटन। इनके बारे में आप न्यूज आर्टिकल्स देख सकते हो कि एक टीनेजर ने उनके किताब का बैड रिव्यू लिखा था और वो फिर अपने घर से दूर ट्रैवल करके आए और उस लड़की को बॉटल से मार दिए माथे पर, जिससे उसको चोट लगी बहुत ज्यादा, वाइन के बॉटल से उसके माथे पर मार दिए। वो अजीब अजीब चीजें होती है इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 6, ये एक बहुत ही अमेजिंग सी फैक्ट है, आपको सुनना चाहिए, बहुत काम की आपके। क्या है कि पहले के टाइम पे जो घर होते थे, मान लो उस पे आग लग गया घर पे, तो पहले के टाइम पे जलने का टाइम जो था कि अगर कोई आग नहीं बुझाने आया तो कितने टाइम में वो पूरा घर जल के राख हो जाएगा। तो पहले के टाइम पे जो एवरेज था वो था 17 मिनट, 17 मिनट में वो घर जल जाता था। बट अभी के टाइम पे अगर घर में आग लगी और वो फैल रही है तो अगर कुछ ना किया जाए तो सिर्फ 3 से 4 मिनट पे अभी पूरे घर में आग पकड़ लेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के टाइम पे नेचुरल मटेरियल्स और अभी जैसे मॉडर्न टाइम्स में सिंथेटिक फाइबर और बाकी जो चीजें है वो बहुत फास्ट बर्न होती है, प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर, आजकल के सब कुछ को देख लो इजिली आग लग सकती है। इसलिए पुरानी चीजें जो है वो थोड़ी कंपैरेटिवली स्लो जलती थी और पहले के टाइम पे आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था। टुडे का आप ये आर्टिकल देख सकते हो, इसमें इसी चीज की बात की गई है। फैक्ट नंबर 5, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो, इनसे पूछा गया था कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है, तो पता है इन्होंने क्या आंसर किया? मेरा फेवरेट सुपर हीरो कृष्णा है। लॉर्ड कृष्ण के पास एक वेपन था, सुदर्शन चक्र, और ऐसी बाकी डिटेल्स प्रेसिडेंट ने पढ़ा था उनके बारे में, और कृष्णा जी बहुत वाइज भी थे। तो इसलिए ये हम इंडियंस के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट ने अपना फेवरेट सुपर हीरो कृष्ण जी को माना। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो कि बीज, छोटे छोटे बीज के ऊपर आर्ट बनाते हैं, जैसे कि एप्पल के छोटे छोटे बीज के ऊपर कोई पेंटिंग बना दिया, जो दवाई के टैबलेट्स होते हैं उसके ऊपर ऐसे करके कुछ डिजाइन बना दिया, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है चाइना में एक लॉ है जिसके हिसाब से अगर किसी के पेरेंट 60 साल से ज्यादा ओल्ड है तो वो उसको नहीं छोड़ सकता है अकेले। आपको सिर्फ मॉरल रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि आप उनको पीरियडिकली विजिट करें, आपको हमेशा उनको देखते रहना होगा, उनका फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल जो उनका एक नीड होता है सर्वाइव करने के लिए वो आपको मीट कराना ही होगा। बट इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है, मॉरल ऑब्लिगेशन तो ऑफ कोर्स होती है इन चीजों में, बट अगर लॉ आ जाए तब मेरे हिसाब से पर्सनली बहुत अच्छा होगा कि जब पेरेंट्स बूढ़े होते हैं तब उनका ऑफ कोर्स लीगल रूप में बच्चों को ख्याल रखना ही चाहिए। कुछ लोग तो पूरी तरह से छोड़ देते हैं, ऐसा भी देखा गया सोसाइटी में, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। और जो छोड़ देते हैं वो कहते हैं कि मेरा तो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कुछ भी करूं,
मॉरल गया भाड़ में, लेकिन जब लीगल आएगा तब तो उसको करना ही होगा चाहे वो कुछ भी सोचे। फैक्ट नंबर टू, एक इफेक्ट होता है मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। इसका मतलब किसी चीज को आप जब डेली देखने लगते हो तो आप धीरे धीरे उसको पसंद करने लगते हो। जैसे कि अगर कोई आपका कोई फेवरेट सीरियल या फिर फेवरेट कोई भी शो है, उसमें कोई मेन कैरेक्टर या होस्ट को बदल दिया गया, शुरू में लगा यार वही ठीक था, किसको ला दिया ये, लेकिन वक्त के साथ आप उसको एडजस्ट कर करके जैसे एक्सपोजर होता है, जैसे आप डेली देखते हो तो आप पसंद करने लगते हो उसको, और धीरे 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 वही ठीक ठाक लगने लगता है। और कुछ कुछ केस में तो बहुत सालों बाद वही बन जाता है स्टैंडर्ड, और बहुत लोग पुराने से अच्छा मानते हैं उसको। तो इसी को मेयर एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि किसी चीज के लिए लाइकिंग बढ़ जाती है जब बहुत बार एक्सपोजर होता है उस चीज से, तो और ये रियल लाइफ में पर्सन के लिए भी काम करती है। अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आपको चाहे तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको एक्सपोजर रीच करना होगा, मतलब वो जो पर्सन है उसके सामने ही रहो ताकि नजर पड़े, जितना नजर पड़ेगा उसका आप पे उतना ही मेयर एक्सपोजर इफेक्ट काम करेगा। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है कि समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है कि समोसा का नियर टू नियर इंग्लिश क्या होगा। तो आपको पता है समोसा का कोई ऑफिशियली ठप्पा लगाया हुआ इंग्लिश वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता है, बट जो सबसे क्लोज वर्ड है ना वो है ट्रायंगुलर पेस्ट्री। जी हाँ, ट्रायंगुलर पेस्ट्री। आप अगर अमेरिका गए, आपको समोसा किसी को बताना है तो समोसा बोलोगे तो अगर उस इंसान को समझ नहीं आया तब आप बोलना डायट ट्रायंगुलर पेस्ट्री, ट्रायंगुलर पेस्ट्री। तो जो सबसे नियर एक्सेप्टेबल वर्ड जो कि लोग यूज करते हैं फॉरेन में भी, वो है ट्रायंगुलर पेस्ट्री। सो डैट इज इट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और ऐसी और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि सबको नॉलेज पहुंचे। ऐसे ही फैक्ट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।